अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से सब भाई खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सुहांजने के पत्ते हैं, ये वाले फूल सुहांजने के, और ये सुहांजने के पत्ते हैं, ठीक है जी दोस्तों। और ये सुहांजने की जड़, ये वाली, इसमें सुहांजने की सक भी मैं लेकर आया हूँ साथ में कुछ ना जी, ये ठीक है जी। ये सक है सुहांजने की, और साथ में ये सुहांजने की जड़, ये वाली, ठीक है जी। और ये सुहांजने के पत्ते बमा फूलों लेकर आया हूँ, ठीक है जी। काफ़ी सुहांजने के पौधे खड़े थे तो मैंने साथ में फूल भी तोड़ लिए। और जितनी सुहांजने की जड़ होगी उतना ही वज़न इन पत्तों का होना चाहिए खुशक का, और उतना ही इसके अंदर ना हमने डालना है वो तुम्हे की जड़। ये तीन चीज़ें हो गई बराबर वज़न, मसलन के एक एक पाव मैं तो ज़्यादा करूँगा, एक एक किलो करूँगा, तो एक एक किलो ये तीनों चीज़ें हो गई, सुहांजने के पत्ते और सुहांजने की जड़ हो गई एक एक किलो, और एक किलो इसमें मैं डालूँगा वो जड़ तुम्मा, तुम्बे की जड़ ये डालूँगा, और फिर इसमें 5 किलो तुम्बे का पानी डालूँगा। इन सब चीज़ों को कोट पे इसके सफूफ बना के 5 किलो तुम्बे का पानी डालूँगा एक बर्तन में, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें टिप कर दूँगा, तर करके रख दूँगा। उसके बाद 1 किलो आबे लीमू इसमें डालूँगा खुशक, जब ये हो जाएगा पानी धूप में रख के खुशक करेंगे, उसके बाद फिर इनको खल करेंगे, खुशक होने पर सफूफ बनाएंगे। चने के बराबर 2 चने, चने के बराबर 1.5 चने के बराबर इसकी खुराक जो है ना, 1 माशा 1.5 माशा खुराक इसकी वो शुगर के लिए देंगे, जिसमें शुगर के लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है जी। इंसुलिन के लिए, शुगर के लिए, मैदे के लिए, पेट में अगर पानी है, आपके गुर्दों का किडनी का इशू है, पानी उसमें है तो वाश नहीं हो रहा, खारिज नहीं हो रहा, कमज़ोरी हो रही है, मैदे में कब्ज़ ज़्यादा है, ठीक है जी, तो उसके लिए ये जो है ना ये लाजवाब चीज़ है। हड्डियों के पेन के लिए, हड्डियों का दर्द, हड्डियों के मसाइल जो है ना, उसके लिए ये एक अक्सीर है, ठीक है दोस्तों। आज 28 मार्च है 2024 जी, तो अभी रमज़ान शरीफ के दिन हैं, इतना बाय तो जाया नहीं जाता, पर फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि ले आए। इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी तो आज लेकर आया हूँ, सोचा अभी भाइयों को दिखा देता हूँ। अभी इसको काट रहा हूँ थोड़ा थोड़ा छोटा सा, ताकि ये जल्दी खुशक हो जाए, ये माह रमज़ान के दिनों में ये खुशक हो जाए। उसके बाद फिर ड्यूटी लगाई है कार साहब की, छोटे भाई की, इनाम रहमान साहब की, आदी कोट वाले जो हैं हकीम साहब हमारे, तो वो उधर से तुम्बे का पानी और तुम्बे और जड़ वो खुशक करके रखेंगे, ईद के बाद वो फिर पहुँच आएगी, तो फिर इसका अगला अमल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये ग़िज़ाइयात से भरपूर होता है सुहांजना, और इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं, साथ में जो है ना तुम्बा लग जाएगा और तुम्बे की जड़ लग जाएगी, ये तकवीत देता है हड्डियों को भी बहुत अच्छी, तो इसलिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह पाक बरकत देगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ में शफा अता करे, जिस भी भाई को बहन को दुआई दें अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। हमारे जो काम हैं, जो हमारे अमल हैं जी, ये काफ़ी मुश्किल हैं, क्योंकि जड़ी बूटी का काम है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है, ठीक है जी। पर कुछ भाइयों की समझ में चीज़ें नहीं आती, ठीक है जी, वो कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, तो बात तो ये है ना जी, जब मैदान में आए तो पता चले कि क्या होता है, ठीक है जी। कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हैं जी, आदमी कहता रहता है, ठीक है जी। जब मेहनत करेंगे ना जी फिर पता चलेगा जी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी मेहनत है जी, ये हम कर रहे हैं, आप भाइयों से खसूसी दुआ है कि हमें जो है ना अपनी दुआओं में याद रखा करें, गुनाहगार आदमी है, ताकि अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान करे। तो ये आज का हमारा नुस्खा है जी, बनाएं भाई
और दुआओं में याद रखें, ये बहुत अच्छा और कारआमद नुस्खा है। बकाया बातें हैं जितनी भी हम सुना लें, ऐसे ही हम तरीफ़ों के पुल बांधते जाएं, कोई भाई बनाए उसे फ़ायदा ना मिले, फिर वो क्या सोचेगा। ठीक है जी, नुस्खा अच्छा है, आगे शफा आपके नसीब की, आपके हाथ की आपको मिलनी है। मेहनत करें इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा मिलेगा जी। जी दोस्तों, वो हमने उसके पत्ते काट दिए हैं, उनका छोटा छोटा हमने ना चूरा सा कर दिया है, ताकि वो जो है ना हमारे पत्ते वो ज़ाया ना। तो उसको काटने का ये फ़ायदा है कि जो पत्ते हैं ना वो जल्दी खुशक हो जाएंगे। अभी हम इस जड़ को भी काट रहे हैं जी। पहले हमने इसको धोया अच्छे तरीके से, इससे रेत मट्टी जो है ना वो हमने दूर की है। अभी हम इसको इस तरह छोटा छोटा काट देते ना, वैसे तो ये नरम होती, एक तो ये जल्दी खुशक हो जाएगी, बाद में फिर ये होगा कि ग्राइंड करने में हमारे लिए आसानी पैदा होगी जी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, हमने इसको जल्दी खुशक भी करना है जी, इसकी थोड़ी सी जल्दी ज़रूरत है ना तैयार करना है इस दवाई को, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी खुशक हो जाए, इसलिए इसको बस काट रहे हैं इस तरह छोटी छोटी कर देते ना जी, ताकि ये आसानी से फिर खुशक भी हो जाएगी और आगे जो है ना जल्दी हमारा फिर सिस्टम आगे भी तैयार हो जाएगा जी। ये देखें, ये जी नुस्खा है दोस्तों, बनाएं और दुआओं में याद रखा करें यार। ठीक है जी, ये अभी ये छोटा छोटा हो रहा है जी, तो ये फिर बाद में बहुत आसानी से मसें के ये पीस ही जाएंगे। इसी के अंदर ही हम शक भी ऐड कर रहे हैं जी, क्योंकि वो जो उधर दरख्त खड़े हैं ना जी, अगर वो जड़ें ज़्यादा निकालते हैं ना तो फिर मसला है दरख्त ख़राब होने का, खुशक होने का, तो फिर हमें बाद में अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम किधर जाएंगे, इसलिए फिर हमारे लिए मसला पैदा होता है। फिर हम इस तरह से तरतीब से चीज़ को करते हैं ताकि ना नुकसान भी ना हो, और बाद में फिर वो पौधा या बूटी जो भी है वो हमारे इस्तेमाल में रहे। तो ये बनाए ज़रूर, इंशाल्लाह भाइयों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी, ये बहुत अच्छी अक्सीर है। ठीक है भाइयों, मैं काम कर लूँ, बिज़ी हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और मौके पे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।